दोस्तों, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म 83 रिलीज से पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के एक फाइनेंसर ने मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दीपिका पादुकोण समेत 83 के सभी को प्रोड्यूसर्स पर धोखाधड़ी मामला दर्ज करवाया है। मामला आईपीसी की धारा 405, 406, 415, 418, 420 और 120B के तहत किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विब्री मीडिया से फिल्म में इन्वेस्टमेंट की बातचीत की थी। आरोप है कि इस बातचीत में फिल्म में इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छे रिटर्न का वादा किया गया था, जिसके चलते फाइनेंसर ने 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब मेकर्स इस बात से मुकर रहे हैं। वही फाइनेंसर के एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी ने कहा, यह बात बिल्कुल सच है कि मेरे मुवक्किल ने फिल्म 83 के मेकर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मेरे मुवक्किल के पास कानूनी कार्रवाई के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमने मेकर्स के साथ मिलकर बात को आपस में सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी मेकर ने मेरे मुवक्किल की बात नहीं सुनी, इसीलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि फिल्म के लिए सुर्खियां बटोरने के लिए कई बार मेकर्स ऐसा कुछ जानबूझकर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान फिल्म की ओर लाया जाए।